हेलो बच्चों, आज हम अध्याय मानचित्र के भाग दो पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानचित्र की भाषा पर, रेखा चित्र पर और खाका पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम मानचित्र की भाषा पर। बच्चों, मानचित्र में जो है तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से मानचित्र के जो प्रमुख तत्व हैं, वो निम्नलिखित हैं। बच्चों, मानचित्र का पहला प्रमुख तत्व जो है वो है पैमाना। बच्चों, मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है। ये पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़ों पे दिखाया जाता है। अगर हम बात करें पैमाने की, तो स्थल पे वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पे दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को ही हम पैमाना कहते हैं। बच्चों, पैमाने के आधार पे मानचित्र के दो प्रकार होते हैं। पहला छोटे पैमाना वाला मानचित्र और दूसरा बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा मानचित्र की भाषा अर्थात मानचित्र के प्रमुख तत्व पैमाने पे जारी रखते हैं। और बच्चों, शुरुआत में हम चर्चा करेंगे छोटे पैमाने वाले मानचित्र पे। तो बच्चों, जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है, तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि किसी देश या राज्य का मानचित्र। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें किसी मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर दर्शाना होता है, तो इस प्रकार का जो मानचित्र है उसे हम छोटे पैमाने वाली मानचित्र कह सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा है वो है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो बच्चों, जब किसी मानचित्र पे एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है, तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि किसी गांव या शहर का मानचित्र। चलिए यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो विद्यालय है आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है और इसे मानचित्र पे हमें दर्शाना है। तो बच्चों, हम 10 किलोमीटर की वास्तविक दूरी तो मानचित्र पे नहीं दर्शा सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा पैमाना जो है वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, अर्थात मानचित्र पे दर्शाया गया 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। तो आपके मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। बच्चों, अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पे दिए गए दो स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा मानचित्र की भाषा पे जारी रखते हैं। अब हम मानचित्र के दूसरे प्रमुख तत्व प्रतीक चिन्ह और रूढ़ चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मानचित्र पे जो है अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन्हें विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूप से विभिन्न तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाता है। बच्चों, यह चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखाए जाते हैं। बच्चों, उस स्थिति में जब हम किसी विशेष की भाषा से अपरिचित भी हों, तो हम मानचित्र पे दिए गए चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों,
इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये चिन्ह रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहलाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जहाँ पे रेलवे लाइन, उनमें भी बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, इन तीनों को अलग अलग चित्रों या चिन्हों के द्वारा दिखाया गया है। वहीं पे सड़कों में पक्की सड़क और कच्ची सड़क के भी अलग अलग चिन्ह हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें नदी, कुआं, तालाब, नहर या पुल की, तो उन्हें भी अलग अलग चिन्हों और चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा मानचित्र की भाषा को जारी रखते हैं। अब हम मानचित्र के तीसरे प्रमुख तत्व दिशा पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अधिकतर मानचित्र के ऊपर आपने देखा होगा कि तीर के निशान के साथ उ या एन जो है इंगित किया गया है। यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। एक बार हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाए तो हम चारों दिशाओं को आसानी से खोज पाते हैं। बच्चों, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, इन दिग्बिंदुओं के बीच चार और दिशाएं होती हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं, जो हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा अपनी मानचित्र की भाषा पे जारी रखते हैं। अब हम मानचित्र के अन्य प्रमुख तत्व रंग के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मानचित्र पे तथ्यों को स्पष्टता से दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे जल के लिए नीला रंग, काले रंग से रेल मार्ग और हरे रंग से वन या वनस्पति और पीले रंग से कृषि प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। ये देखिए बच्चों, ये जो है इंडिया का जो है मेन मैप है। आप इस मैप पे अलग अलग रंग, जिसकी चर्चा हम ऊपर किए उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीला रंग, अर्थात ये रंग जो है वो जल को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए इसको थोड़ी और बारीकी से हम दूसरे मैप में देखें। हमने बात की थी कि काले रंग से जो है रेल मार्ग दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, आप ये जितने भी रेल नेटवर्क हैं, आप ये देख रहे होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड नेटवर्क हैं। ये जो है रेल नेटवर्क है और इनको काले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम अगला देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीले और हरे रंग से प्रदर्शित किए गए हैं। तो बच्चा, पीले रंग जो है वो कृषि के लिए प्रदर्शित किया गया है और हरा रंग जो होता है वो वन या वनस्पति को। तो इसी प्रकार से आप जो है मानचित्र पे इस्तेमाल में किए गए रंगों के माध्यम से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि ये रंग किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रेखा चित्र पे। बच्चों, जो रेखा चित्र है वो एक ऐसा चित्र है जो पैमाने पे आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पे आधारित होता है। मान लीजिए आपको किसी मित्र के घर पहुंचना है और आपको उसके घर का रास्ता नहीं पता। आपका मित्र आपको अपने घर का रास्ता बताता है या उसकी जानकारी देता है। इस आधार पे आप कागज पे एक कच्चा नक्शा बनाते हैं। तो बच्चों, जो आप कच्चा नक्शा जो है कागज पे बनाए हैं, उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। बच्चों, रेखा चित्र जो है बिना पैमाने के बनाया जाता है, जैसे कि हम ऊपर चर्चा किए। ये सिर्फ याददाश्त और अवलोकन के बेसिस पे ही बनाया जाता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब हम चर्चा करेंगे खाका पर। बच्चों, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं और हम उन्हें मानचित्र के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि। तो ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आपको बैंक, पंचायत भवन, विद्यालय, बाजार ये सब तो दिख ही रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको घर भी दिख रहे हैं और उनकी पैमाना भी दिख रहा है, जैसे उनकी कितनी लंबाई है और उनकी कितनी ऊंचाई है। तो इन्हीं सब को जानकारी को हम जो है वो खाका के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मानचित्र की भाषा, रेखा चित्र और खाका पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।